हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीश। आज आप लोगों को दोस्तों R89 होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों जो बहुत ही बेटर मेडिसिन है हेयर फॉलिंग के लिए, जो बहुत ही बेटर काम करती है हेयर फॉलिंग के केस में। तो दोस्तों R89 जो है रिक्विक ब्रांड की मेडिसिन है दोस्तों, एक जर्मन मेडिसिन है दोस्तों, जो बहुत ही बेटर काम करती है हेयर फॉलिंग के केस में। किसी भी टाइप के हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम हो R89 मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था कि आप R89 पर एक वीडियो बनाइए, उस पर आप R89 के बारे में कुछ बतलाए। तो R89 में बताने की कोई उससे क्या ज़रूरत है। R89 एक मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसे तो होम्योपैथिक की जितनी भी सारी मेडिसिन है सब मेडिसिन अच्छी है दोस्तों। तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम क्यों होता है, बहुत सारा कोई स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं है दोस्तों जिस वजह से बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा रीज़न है, जैसे थायराइड का अगर प्रॉब्लम है जिन लोगों को, गैस्ट्रिक ट्रबल है, हेडेड का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है दोस्तों। जो डस्ट के एरिया में ज़्यादा काम करते हैं उन लोगों को भी दिक्कत होता है, जो नहीं काम करते हैं उन लोगों को भी दिक्कत। तो बहुत सारा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बाल झड़ने का। ऐसे तो हम आप लोगों को बाल झड़ने के लिए और वीडियो में आधा और बहुत चीज़ बतला चुके हैं दोस्तों। तो R89 भी मेडिसिन बहुत ही बेटर मेडिसिन है, लेकिन दोस्तों ऐसे अगर हम R89 मेडिसिन अगर चलाते हैं तो उसके साथ एक जर्म जबरंडी हेयर ऑयल ट्रीटमेंट जो बीजल कंपनी के, उसे भी हम चलाते हैं, ऑयल देते हैं, ऑयल के साथ R89 मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करते हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो दोस्तों R89 मेडिसिन आप को खाना कैसे है, तो कुछ नहीं, और 15 बूंद सुबह आधे कप ताजे पानी के साथ शाम में 15 बूंद शाम में खाएं। लेकिन जबरंडी जो ऑयल है उसे आप रात के रात डेली लगाएं, मूड हो तो दिन में भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं अगर आपको सूट करता है तो वो शैम्पू यूज करें, नहीं तो होम्योपैथिक में शैम्पू भी दोनों बस धर झड़ने का था, जो हम आप लोगों को बाद में बतलाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।